भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। क्योंकि भिखारी को भिखारी की औकात ही नहीं कि वो शादी करे। नहीं, बिल्कुल क्लियर है ये आज बोगस हो गया है। मैं तो राजस्थान में देख के शॉक था कि पिताजी के पास ये जमीने वमीने हैं, लड़का करता तो कुछ नहीं, शादी करा दूं। और बिल बाप के पास है, लड़का तो कुछ नहीं करता, घंटी बजाता है, वो भी मंदिर में नहीं, साइकिल की। अरे अगर तू कमाने लायक नहीं है तो क्यों शादी करी तूने? सब गांव में यही है, बस हो गया काम, जैसे कि पिताजी कमा के खिलाया। तो बोगस है, गलत चीज है, ये कर्म कांड में भी नहीं है जी। तो इसीलिए आप कहोगे उसके मतलब जिसके पास पैसे नहीं है वो शादी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है जी। क्यों करना चाहिए? सिर्फ एक ब्राह्मण कर सकता है। क्यों कर सकता है? जो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, क्योंकि डोनेशन पे जीता है। किस पे जीता है? और वो संग्रह नहीं कर सकता, वो संग्रह नहीं कर सकता पैसे। तो जो परंतु ब्राह्मणी भी ट्रेन होती थी, ब्राह्मणी आपने सुने, जितनी कथाएं सुनी है पुराणों के अंदर क्या देखा है आपने, ब्राह्मणी डाइवोर्स कर देती थी कि अब तुमने पैसे नहीं दे रहे मुझे। नहीं, ब्राह्मणी भी ट्रेंड थी, उसने अपने पिता को देखा था कि कभी पैसा होता था कभी नहीं होता था। ब्राह्मण कभी भी, देखिए लक्ष्मी और ब्राह्मण की बनती नहीं है। अगर किसी ब्राह्मण के साथ लक्ष्मी बन रही है तो समझ लो ब्राह्मण ही नहीं है। ब्राह्मण की लक्ष्मी के साथ बनती नहीं है। नहीं दिया था, किसको मारा था? भृगु ऋषि को श्राप दिया था कि ब्राह्मणों के बाद आऊंगी नहीं। जब उन्होंने पैर, भृगु जी ने चेक करने के लिए विष्णु जी के छाती पे पैर मारा था तो कह दिया था लक्ष्मी जी ने, नाराज होकर कि मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। तो सब ब्राह्मण देखिए आप, जितने भी थे, जितने टॉप ब्राह्मण्स थे, टॉप का मतलब यह है जो ज्ञानी थे, जो ध्यानी थे, इनके पास कभी भी देखते नहीं, घूमते रहते हैं ऐसे, दान पे जीते थे बस, तो इनका नहीं है आपस में फर्क। परंतु बाकी वर्ग का क्या होगा? बिकॉज दे हैव नॉट बीन ट्रेन्ड। ब्राह्मण गरीबी को अभिशाप नहीं मानता, ब्राह्मण गरीबी को अभिशाप नहीं मानता, क्योंकि वो अपने धन को, ज्ञान को धन मानता है। किसको किसको धन मानता है? ब्रह्म जानती इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय लैंड को अपना धन मानता है, वैश्य दमड़ी को, इसको सिक्कों को, इनको अपना धन मानता है, शूद्र अपनी सैलरी को अपना धन मानता है, परंतु ब्राह्मण ज्ञान को धन मानता है। किसको धन मानता है? और एक वैष्णव भक्ति को धन मानता है, वो भक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ भी दे सकता है, वो अपनी जान दे सकता है, अपना जीवन दे सकता है भक्ति को प्राप्त करने के लिए, वो हाईएस्ट इसीलिए। और जीवन निर्वाह के लिए वो चारों में से कोई भी कार्य कर सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का। समझ में आ रहा है आपके? ये है तरीका।